हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा फैंटेसी में। एंड आज हम बात करेंगे नीदरलैंड वर्सेस पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले फर्स्ट वनडे मैच के बारे में। क्या होगी इस मैच के लिए हमारी फैंटेसी की टीम, क्या कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं जिससे हम स्मॉल लीग में तो एक अच्छा अमाउंट विन कर सके, साथ ही साथ में हम ग्रैंड लीग को क्रैक कर सके और वहाँ भी एक अच्छा अमाउंट विन कर सके। तो चलिए गाइस, वीडियो को पूरी देखना ताकि आपको इस वीडियो में काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो गाइस, अगर बात करें हम सबसे पहले पिच रिपोर्ट की, तो पिच है बॉलिंग पिच, और अगर बात करें एवरेज स्कोर की तो 171 यहाँ पे एवरेज स्कोर है। अब गाइस देखिए, ये चीज़ कुछ भी मैटर नहीं करती, मैं आपको सीधे से बोलूँ इस मैच में अगर फेवरेट की बात करें तो वो है पाकिस्तान की। अगर पाकिस्तान की टीम पहले बैटिंग करेगी तो ये पिच बैटिंग हो जाएगी यहाँ पे, और अगर पाकिस्तान की टीम पहले बॉलिंग करेगी तो ये बॉलिंग ही हो जाएगी। अगर पाकिस्तान की पहले टीम बैटिंग करती तो ये 171 जो एवरेज दिख रहा है ना आपको, ये 300 प्लस भी जा सकता है, ये चीज़ को ध्यान में रखना। और अगर नीदरलैंड की टीम पहले बैटिंग करेगी तो ये 171-150 के अंदर भी जा सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि इस मैच में पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग टीम है, चाहे वो बैटिंग से हो बॉलिंग से हो। सो गाइज, अगर हम बात करें अब पॉसिबल प्लेइंग 11 की, दोनों ही टीमों की क्या हो सकती है, तो नीदरलैंड की जो है बात करें तो विक्रमजीत सिंह जो है आपको ओपन करते हुए दिख सकते हैं मैक्स के साथ। नंबर 3 पे आपको टॉम कूपर दिख सकते हैं, अच्छे प्लेयर है, बिग बैश लीग में आपने इनको खेलते हुए देखा होगा, परफॉर्मेंस भी करे है डोमेस्टिक में, अच्छा करे। बेस्ट की बात करें काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर निकल के आए, बॉलिंग भी डालते हैं, 4-5 ओवर आपको डालते हुए दिख सकते हैं, प्लस में बैटिंग से बहुत अच्छा करते हैं। रिसेंट जो सीरीज हुई है नीदरलैंड की आप चेक कर सकते हैं, इनकी स्कोर का आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बाकी स्कॉट हो गए, अच्छे विकेट कीपर है। और गाइस देखिए, मैं आप सभी को एक चीज़ बता देता हूँ, विकेट कीपर को कभी मिस मत करना T20 वनडे में और टेस्ट में, क्योंकि विकेट कीपर क्या होता है वनडे में और टेस्ट में हमेशा कैचेस पकड़ते हैं, तो अगर ये 2-3 कैचेस भी पकड़ेंगे तो आपको 16-24 पॉइंट आपको दे जाएंगे, मतलब एवरेज 35-30 पॉइंट तो आपको ये दे जाएंगे। तो सेफ चॉइस की तरफ चलो, विकेट कीपर जहाँ से आपको पॉइंट निकल रहे उन प्लेयरों को आप अपनी टीम में रखिए। ठीक है गाइस, यहाँ से स्कॉट हो गए, एल्विन वीक हो गए, ठीक है टीम हो गए, यहाँ से आर्यन दत्त हो गए, अहमद हो गए और किंगमा हो गए। ठीक है गाइस, अब बात करें गाइस पाकिस्तान की तरफ से, फ़कर जमान हो गए, इमाम उलक हो गए, ओपन करते हुए दिख जाएंगे। नंबर 3 पे बाबर आजम, नंबर 4 पे आपको मोहम्मद रिजवान दिख जाएंगे, नंबर 5 पे मोहम्मद हरीज दिख जाएंगे, उजर शाह दिख जाएंगे, शादाब खान दिख जाएंगे, मोहम्मद नवाज दिख जाएंगे, मोहम्मद वसीम दिख जाएंगे आपको, और हरीश रॉफ और नसीम शाह दिख जाएंगे। तो ये रहेगी दोनों ही टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11। चलिए गाइस, अब चलते हैं हमारी फैंटेसी टीम की तरफ। सो गाइस, आप सभी को मैं हमारा टेलीग्राम चैनल बता देता हूँ, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम कृष्णा फैंटेसी है, जहाँ पे हम हर मैचेस की टीम प्रोवाइड करते हैं। तो जो भी भाई अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े, वो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, क्योंकि इस मैच की भी जो फाइनल टीम होगी वो हम टेलीग्राम चैनल पे देंगे, क्योंकि ये टीम कोई फाइनल नहीं है, तो फाइनल टीम आफ्टर टॉस टेलीग्राम चैनल पे देंगे। क्या चेंज होंगे, क्या पॉसिबल प्लेइंग आए, क्या प्लेइंग 11 आएगी, तो वो सब टेलीग्राम पे शेयर हो जाएगी। तो टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सिंपली यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं, या कि डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप सीधे से ज्वाइन हो सकते हैं। तो गाइस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ताकि आने वाले मैचेस की जो फाइनल टीम होगी वो टेलीग्राम पे मिलेगी। और बास्केटबॉल हो गए, फुटबॉल, हम वो भी चीज़ें कवर करते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी है, तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना गाइस। चलिए अब चलते हैं हमारी फैंटेसी टीम की तरफ। सो गाइस, बात करें अगर फैंटेसी टीम की, तो उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो भी भाई नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले वीडियोस के बारे में आपको पता चल जाए। और अगर यार यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी सपोर्ट मिलेगा, आप मुझे सपोर्ट करिए यार, अगर आपको मेरे सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप मुझे बोलिए, हर तरह से मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो यार आपको सपोर्ट करना है तो सिर्फ इतना सा करना पड़ेगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक सब्सक्राइब करना है, उसका कोई पैसा नहीं लगेगा। अगर आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करोगे मुझे सपोर्ट मिलेगा, मैं भी आगे मेहनत करूँगा, ठीक है, आपके लिए जितना पॉसिबल होगा वो चीज़ें मैं करता रहूँगा, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए अब देखते हैं हम फैंटेसी टीम। तो विकेट कीपर में आपको यहाँ से मोहम्मद रिजवान हो गए, स्कॉट हो गए। अगर बेस्ट की बात करें तो यही दोनों बेस्ट है, ठीक है, रिजवान नंबर 4 पे दिख जाएंगे, अगर स्कॉट की बात करें तो नंबर 6 पे आपको बैटिंग करते हुए दिख जाएंगे। अगर नीदरलैंड पहले बैटिंग करती है तो ये अच्छी चॉइस होंगे गाइस, क्योंकि उस केस में इनकी बैटिंग आने की चांसेस तो खैर, अगर ये सेकंड में भी खेलेंगे तो भी इनकी बैटिंग आएगी, क्योंकि पाकिस्तान जो है अच्छा स्कोर कर देगी अगर फर्स्ट बैट पर करते हैं। फिलहाल के लिए हमने इन दोनों को यहाँ से पिक करा है। बात करें गाइस बैटिंग में, बाबर आजम हो गए, इमाम हो गए, यहाँ से टॉम हो गए, मैक्स डाउट हो गए, फ़कर जमान हो गए, अगर बात करें यहाँ से कुदरत शाह हो गए,
ठीक है, फिलहाल के लिए हम जिनके साथ जा रहे हैं, बाबर आजम हो गए, इमाम उलक हो गए, फ़खर जमान हो गए और मैक्स हो गए यहाँ से। ठीक है गाइस, देखिए फ़खर जमान का परसेंटेज काफ़ी कम है, मतलब 47% है, इतना भी कम नहीं है, बट स्मॉल लीग में इनको काफ़ी बंदे जो है ड्रॉप करने वाले। फ़खर जमान हिट और मिस प्लेयर है, अगर चल गए तो इमाम उलक 10 रन पे होंगे तो ये 30 से 35 रन पे होंगे, ये चीज़ को ध्यान रखना। बाबर आजम के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, और मैक्स के बारे में आपको मैं बता दूं, वनडे में इनका शानदार परफॉर्मेंस रहा है, लगातार अगर बात करें तो एक अच्छी स्टार्टिंग, किसी में 30 है, किसी में 40 है, किसी में 50 है, तो ऐसे स्कोर इन्होंने बैक टू बैक करे मैक्स की। टॉम की बात करें यहाँ पे, ठीक है बंदा परफॉर्मेंस कर सकता है, बॉलिंग भी ये डालते हैं, अगर मन होगा तो डाल लेंगे अगर कैप्टन चाहेगा तो। ठीक है गाइस, बात करें गाइस ऑलराउंडर में, शादाब खान हो गए, बेस्ट एलर्जी हो गए, एलवन वीक हो गए, ठीक है मोहम्मद नवाज हो गए। गाइस अगर इस मैच में आपको कुछ ट्रंप प्लेयर रखना है तो वो सबसे पहले हो गए मोहम्मद नवाज। ये बंदा ऐसा है गाइस, अगर इस बंदे का दिन हुआ ना तो ये 3 से 4 विकेट तो अकेले ही निकाल के ले जाएगा। आप इनके ऐसे कुछ मैचेस देखना, उसमें इनका दिन रहा है, क्या तो ये विकेट निकालेंगे ही नहीं, निकालेंगे तो ये गुच्छे से विकेट निकालेंगे, मतलब 3-4 विकेट निकाल ही देंगे। फिलहाल के लिए हमने बेस्ट एलर्जी को रखा है, ऐसे एलवन वीक को रखा है। बात करें गाइस बॉलिंग में, अभी तक शाहीन अफरीदी की कोई न्यूज़ नहीं है, खेलते तो आफ्टर टॉस हम टीम अपडेट कर देंगे, इनको रख सकते हैं आप। हरीश रॉफ हो गए, मोहम्मद वसीम हो गए, यहाँ से नसीम शाह हो गए। ठीक है गाइस, बात करें यहाँ से अगर आर्यन दत्त हो गए, शाहनवाज धानी का जो होगा आफ्टर टॉस देखेंगे, टॉम हो गए खेलते हुए दिख जाएंगे। फिलहाल के लिए हरीश रॉफ को मैंने रखा है, मोहम्मद वसीम को मैंने रखा है और यहाँ से नसीम शाह को रखा है। गाइस अभी जो मैं कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ, वो नेदरलैंड पहले बैटिंग कर रही है उसके अकॉर्डिंग में ये कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ, पर जो भी अगर चेंजेस होंगे वो आफ्टर टॉस मैं आपको बता दूंगा। बात करें गाइस कैप्टन वाइस कैप्टन में, तो देखिए सबसे पहले चॉइस तो बाबर आजम हो गए, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात करें फ़खर जमान, और थर्ड ऑप्शन बात करें मोहम्मद रिजवान। ठीक है अगर बॉलिंग में बात करें तो हरीश रॉफ को आप कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं क्योंकि ये विकेट निकाल सकते हैं, और नीदरलैंड की बात करें तो बेस के साथ आप जा सकते हैं क्योंकि ये बैटिंग प्लस बॉलिंग करेंगे। अब गाइस मैंने आपको इतने कैप्टन वाइस कैप्टन की ऑप्शन दे दिए तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। अब मैं सीधे सीधे आपको तीन ऑप्शन की बात करूँ तो बाबर आजम हो गए यहाँ से, और आपसे हरीश रॉफ हो गए, और मोहम्मद रिजवान हो गए। गाइस देखिए मोहम्मद रिजवान को कैप्टन वाइस कैप्टन करने का आपके पास एक फ़ायदा होगा, अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग कर रही है तो मोहम्मद रिजवान को आप कैप्टन कर सकते हो बिंदास, क्योंकि उस केस में क्या होगा ये बैटिंग करेंगे, बैटिंग आने के पूरे चांसेस रहेंगे गाइस इनके, प्लस में ये विकेट कीपर है तो वहाँ से आपको अगर 2-3 कैच पकड़ लिए, 1-2 स्टंपिंग कर दिए तो ये बहुत अच्छे आपको पॉइंट दे जाएंगे, ये चीज़ को ध्यान में रखना। सेकेंड बैट करती है अगर पाकिस्तान तो उस केस में आप अगर रिस्क ले सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन करने का, अगर नहीं भी करे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फर्स्ट बैट करती है तो पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद रिजवान को कैप्टन कर सकती है। फिलहाल के लिए मैं सेफ ऑप्शन जा रहा हूँ बाबर आजम, और वाइस कैप्टन की बात करें तो हरीश रॉफ को मैं वाइस कैप्टन कर रहा हूँ। गाइस अगर बात करें अभी के लिए हमारी फाइनल टीम प्रिव्यू का, तो अभी के लिए हमारी फाइनल टीम प्रिव्यू आप देख सकते हैं, कैप्टन मैंने बाबर आजम को किया है, वाइस कैप्टन हरीश रॉफ को करा है। बट मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ गाइस, ये जो टीम है और मैं जो फाइनल टीम दूंगा उसमें बहुत फ़र्क होगा, 3-4 प्लेयर मैं अपडेट करूंगा, ये सिर्फ मैंने आपको एक डेमो टीम दी है, इसको आप सेट कर लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए अपने कॉन्टेस्ट। फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको कमेंट बॉक्स में प्लस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। और याद रहे गाइस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले वीडियोस के बारे में आपको पता चल जाए, और आने वाले टाइम में हम गिव अवे करेंगे YouTube पर 500 रुपीज़ का, तो उसमें भी आपको पार्टिसिपेट करना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले कंपलसरी होगा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना, तो इन चीज़ को भूलना मत। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मैच की वीडियो में, गुड लक, टेक केयर।